प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हर आदमी जीवन भर सुखों की तलाश में रहता है, परंतु उसके बावजूद भी समय बेसमय वो इस प्रकार के कुचक्र में फंस जाता है। कुछ इस प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं कि उसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता। दोस्तों, वह उसे केवल व्याधि समझ लेता है और चला जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर के पास उन व्याधियों का कोई समाधान नहीं होता। फिर दोस्तों, जब तक पता चलता है तब तक वे कुछ इस प्रकार की व्याधियां होती हैं जिन्हें नकारात्मक शक्तियां कहा जाता है। दोस्तों, वे अपना घर बना लेती हैं और उनसे पीछा छुड़ाना कुछ मुश्किल हो जाता है, परंतु यहाँ पर हर प्रकार की बाधाओं के निवारण के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे वे नकारात्मक शक्तियाँ गायब हो जाती हैं या उन पर बंधन लग जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार जब किसी में इस प्रकार की शक्तियों का प्रभाव हो तो वे छोटे छोटे बंधन द्वारा उनको उनसे मुक्त हो जाती हैं और मनुष्य अपने सुखों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि यह जो पितृ पक्ष आता है, इस पितृ पक्ष में होता क्या है? दोस्तों, इस पितृ पक्ष में जिस प्रकार हमारे पितृदेव स्वच्छंद रहते हैं, आजाद रहते हैं, इसी प्रकार से ये प्रेत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां भी बेलगाम हो जाती हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रह जाता है और ये स्वच्छंद विचरण करती हैं। इन पर दबाव ना होने की वजह से होता क्या है? दोस्तों, जब आपने किसी ने भी इन व्याधियों का बंधन किया हुआ होता है, तब दोस्तों वे इन बंधन को स्वीकार नहीं करती हैं और फिर से अपना प्रभाव शरीर पर जमा लेती हैं। परंतु दोस्तों, इस प्रकार हो जाने के पश्चात आपको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यह कुछ समय के लिए ही होता है, इसमें आप अपना धैर्य नहीं खोएं। हमारा यह वीडियो बनाने का जो मकसद है वो केवल यही है कि ये जो बेलगाम होती हुई प्रेत शक्तियां हैं, इनसे घबराएं नहीं। ये पितृ पक्ष तो केवल 16 दिन के लिए आते हैं। इन 16 दिन में यदि आपने कोई बंधन किया हुआ है या करवाया हुआ है और वो बंधन बेलगाम हो जाता है, तब आप इनसे विचलित ना हो और केवल धैर्य रखें, क्योंकि इस वक्त आप दूसरा बंधन भी करवाएंगे तो वो आप पर लागू नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बस दोस्तों, आपने केवल अपने पूजा स्थान पर अपने पितृदेवों से इसी प्रकार की अरदास लगानी है कि हे पितृदेव, आप खुश हाल रहें, आप में बल की वृद्धि हो, आप हमारे घर की रक्षा करें, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है इसे आप अपना घर समझ करके, आप अपना परिवार समझ करके इनका निवारण कर दें। बस दोस्तों, इतनी सी अरदास लगा दिया करें। जब यह 16 दिन निकल जाएं तो इसके बाद करवा लें अपना दूसरा बंधन। किसी भी प्रकार का, चाहे काला धागा हो, चाहे लाल धागा हो, चाहे किया हुआ हो, कोई भी ऐसा उपाय जो इन शक्तियों को रोकता है, इस प्रकार जब आप दोबारा बंधन करवा लेंगे तो वह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। धीरे धीरे करके यह शक्तियाँ आपके इस बनाए हुए घर को, आपके शरीर को छोड़ देंगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लग जाएंगे। बस दोस्तों, इस प्रकार से ये छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। यदि आप इन्हें जीवन में करते रहेंगे तो अपने जीवन को खुशहाल बना लेंगे। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम?
यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।